हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कमर दर्द में अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी है ये आपको आयत खान जी के जो कमेंट है उससे आपको पता चलेगा कि कमर दर्द में जो स्लिप डिस्क है इसकी तकलीफ में अपना ख्याल पहले रखोगे तो दूसरों का ख्याल रखोगे, ऐसा मैं क्यों कहती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप भी देखिए आयत खान जी ने क्या लिखा है। वो लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप ही। पहले मैं अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी क्योंकि ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से एक मेरे शोहर ही हैं जिनका सपोर्ट है, पर जब से आपकी वीडियो देखी तब से मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ, जितना होता है उतना ही काम करती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो देखिए, मैं किसी के लिए गलत चीज़ नहीं कहूँगी ये चीज़ कि ससुराल में अगर कोई नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जनरल सी बात है। किसी को इस तकलीफ़ के बारे में पता नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अगर बुखार आता है तो आदमी का दिखाई देता है कि बुखार है, लेकिन स्लिप डिस्क दिखाई नहीं देती है तो लोग इसलिए भी शायद नहीं समझते हैं और इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर दुखी होते रहोगे, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी है। जेंट्स के जो मैं ऐसे लोगों से भी बात कर चुकी हूँ जिनके परिवार वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, तकलीफ़ है, हिल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हाथ पैर सुन्न हैं, टेंशन है, पर कोई नहीं समझता है। ऐसे में दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँचा देती हैं। लेकिन आप लोगों को हिम्मत रखनी है, अपना ख्याल रखना है, आपको जिस चीज़ से रिलीफ मिलता है वो करें, कोशिश करें समझाने की, अगर कोई समझे तो ज़रूर समझाएं। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी तकलीफ़ अगर हाथी घोड़े की चाल से है तो जाती चींटी की चाल से है, लेकिन उसे आप घोड़े की चाल में तब्दील कर सकते हैं अपना ख्याल रखकर। तो उम्मीद करती हूँ जैसे आयत खान जी को रिलीफ आया है, आप लोगों को भी बहुत जल्द रिकवरी हो और आप भी आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और जिन लोगों को ये लगता है कि परहेज से क्या होगा तो वो परहेज करके देखें। खाने का परहेज इतना अहम नहीं कहूँगी मैं कि नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो भी है, लेकिन आपके लिए फ़िज़िकल परहेज बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। आराम इस तरह से हो कि आप उठते बैठते अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके वो मेंटेन करें। ये नहीं कि आप लेटे हुए हैं और आप झटके से उठे और चल दिए, आपने खड़े होके तो 4-5 घंटे काम कर लिया और आप सोच रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए। आगे आप लोगों की सवाल ले रही हूँ जिसमें से आप लोगों को पता चलेगा कि रिलीफ आता है और क्यों चला जाता है, जो लोगों ने पूछा है मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। सत्या द्विवेदी जी का सवाल है कि हमने बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हैं और अब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने कहा है कि टोटली बेड रेस्ट करो, टैबलेट भी दी है, ये सब कर रहे हैं, बट दर्द तो बहुत है, 1% कम नहीं हुआ। हम इरिटेट हो गए हैं, हमें दर्द से 2.5 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, बट दर्द में कोई राहत नहीं है और हमने वैद्य हकीम को भी दिखाया है, उनकी आयुर्वेदिक दवाई भी खाई बट कुछ आराम नहीं है। तो सत्या जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप मेडिसिन जो भी ले रहे हो इस वक्त उसे थोड़ा कंटिन्यू रखिए, कम से कम 10 से 15-20 दिन आप उसे ज़रूर लीजिए। साथ में आप जो मैं परहेज बताती हूँ वो भी करिए, यानी आगे झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने का, और उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, इसलिए सिर्फ ये एक ही चीज़ नहीं है कि आगे नहीं झुकना है, ब्रश करते हो तो भी झुकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि छोटी सी बात है, लेकिन उसमें अगर आप दीवार का एक हाथ से सहारा ले लें तो आपकी जो बैकबोन है उसको सपोर्ट मिलता है और आपके मसल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी नहीं और वो मददगार होगी आपको ठीक होने के लिए। तो वो परहेज आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे, वो ज़रूर फॉलो करें। खाने में कुछ चीज़ें अवॉइड करिए, वो भी बता रखी हैं मैंने, साथ में मालिश और सिकाई वो अभी से कंटिन्यू करिए। तिल के तेल में गांठ लहसुन का ऑयल बनाना है, तरीका मैंने बता रखा है वीडियो में, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लें। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और अगर आपको रिलीफ नहीं लगता है कुछ टाइम के बाद आपको लगता है तो आप मेडिसिन चेंज करिए। आप यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं जो मैंने ली थी, या आप किसी हड्डी वाले हकीम को दिखाएँ और कंसल्ट करके, या किसी यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके भी आप मेडिसिन ले सकते हैं।
अगला सवाल सत्येंद्र जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, चेकअप भी सभी करा चुके हैं, उसमें नस दबी हुई निकलती है, और उन्होंने लिखा है कि इलाज तो कहीं और भी कराया है, लगातार 2 साल से मेडिसिन खाई है तो बंद हो गया था, 2 साल मतलब खाने के बाद मेडिसिन ठीक हो गए थे, और काफ़ी मंथ से कोई दर्द नहीं हुआ था। इसके बाद जब कभी दर्द होता था तो एक पर्चा दवा का था, उसे कुछ दिन खाते थे तो मेरा दर्द बिल्कुल बंद हो जाता था। अब वो दवा मिलनी बंद हो गई है, फिर से दर्द चालू हो गया है। इसके बाद उन्हीं डॉक्टर को दिखाया, अब जो मेडिसिन लिखी है खाने से कोई रिलीफ नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाकर बताते हैं तो मेडिसिन चेंज कर देते हैं, फिर भी कोई रिलीफ नहीं होता है, अब हम दर्द की वजह से सो भी नहीं पाते हैं, ये उन्होंने लिखा है। तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि आप, मुझे पता है कि दर्द बहुत ज़्यादा होगा इस वक्त, और उसका मेन रीज़न होता है कि हम लोग कोई झटके से दोबारा कोई चीज़ उठा लेते हैं, जब हम ठीक हो जाते हैं ना उसके बाद दोबारा हो सकता है, और यही कारण है कि आपको फिर से हुआ है। इसमें आप बाइक में कोई झटका लग सकता है तो हो सकता है, आप बाल्टी उठा लें तो हो सकता है, आप कुछ भी मतलब छोटे से छोटा रीज़न इस दोबारा होने का हो सकता है। तो आप घबराएं नहीं, आप सबसे पहले तो झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना ये तो बिल्कुल बंद कर दें अभी, गाड़ी और सीढ़ी ये भी आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा आपको मेडिसिन जो आप जिनसे रिलीफ है वो आप खाएं, जिनसे भी रिलीफ मिलता है, अगर एलोपैथिक से नहीं हो रहा है तो आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या यूनानी ट्राई कर सकते हैं, तो मेडिसिन वो लें। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड मत रहिएगा, किसी भी पेशेंट को मैं यही कहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि सिर्फ मेडिसिन कुछ नहीं करेंगे, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप अगर ये ख्याल नहीं रखेंगे कि अगर आप एक बार भी झुकते हैं, या आप ये सोच लें कि हफ्ते में 1-2 बार मैं बाज़ार चला जाता हूँ बाइक से, कुछ नहीं होगा, पर उससे बहुत कुछ हो जाता है, ख़राब हो जाता है जितना रिलीफ आता है। तो इसलिए एक लंबे टाइम तक परहेज का ध्यान रखिए, और जब आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि दोबारा होने के चांसेस होते हैं जो कि आप खुद लिख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको आगे झुकने का और वज़न उठाने का ये दो सिंसियरली आपको फॉलो करने चाहिए दोनों नियम, जिससे आपको फिर कभी ये प्रॉब्लम ना हो। तो अपना ध्यान रखिए और मेडिसिन आप ट्राई करें, साथ में मालिश और सिकाई, और आपके खाने का परहेज जिसमें चावल, आलू, बादी वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें ये सब अवॉइड करना है, ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए, घड़े का पानी पीजिए, अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद। अगला सवाल है कि क्या ब्रेस्ट फीड मदर दवाई ले सकती हैं। आई थिंक आपने यूनानी दवाई के बारे में पूछा है, और उन्होंने लिखा है कि मेरा बड़ा बेटा 3 साल का, 8 मंथ का है, और 1 6 मंथ का बेबी है, बहुत तकलीफ़ होती है, मेरी कमर की हड्डी में गैप है, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो देखिए, मैंने ये प्रेगनेंसी में ली थी मेडिसिन, लेकिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट, जो हकीम थे, हकीम साहब से कंसल्ट करके ली थी, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी में मैंने ली थी तो मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी में खुद से लें, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड मदर हैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आप चाहें तो किसी यूनानी डॉक्टर से या यूनानी हकीम से कंसल्ट करके ले सकती हैं मेडिसिन, और यही आपके लिए ठीक रहेगा। अगला सवाल शर्मिला जी का है, जिन्होंने पूछा है, मैम क्या आपने विटामिन की कोई दवा यूनानी दवाई के साथ ली थी। तो देखिए, मैंने कोई विटामिन की मेडिसिन नहीं ली है, हाँ विटामिन डी इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कमर की हड्डियों के लिए, जो भी है किसी भी तरह से हड्डी अगर आपकी कमज़ोर है तो उसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नेचुरल विटामिन डी आपको मिल सकता है। आप सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट अगर आप टहल लेते हैं या बैठ जाते हैं तो वो काफ़ी होता है। इसके अलावा अगर आप कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले रहे हैं या आप बीपी या शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके लिए मैं यही कहती हूँ कि आप 1 घंटे का गैप रख के मेडिसिन को ले सकते हैं। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कभी फीवर आ गया, कभी किसी को जुकाम सर्दी हो गई, तो उस कंडीशन में भी 1 घंटे का गैप रख के मेडिसिन ले ही सकते हैं, है ना।
तो आप वो देख लें, आपको अगर चाहिए विटामिंस की ज़रूरत है या फिर आप जानना ही चाहते हैं कि इसके अलावा मैंने ली है, तो इसके अलावा तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी बस, ठीक है, मैंने सिर्फ यूनानी मेडिसिन ही ली थी। अगला सवाल अंतिमा चावड़ा जी का है, जिन्होंने कहा है कि मैम आपने परहेज कब तक किए थे। तो देखिए, मैंने 3 साल तक तो खाने का भी किया है और फिज़िकल भी किया है, लेकिन ठीक होने के बाद मैंने सिर्फ 2 चीज़ों का परहेज किया है, वो है आगे झुककर कोई काम करते रहना लगातार, या फिर इसके अलावा मैंने किया है कि कोई बहुत भारी वज़न उठाना। ये 2 परहेज मैं आज भी कंटिन्यू रखती हूँ। हालांकि मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, चलती हूँ, वॉक करती हूँ, पूरा दिन मार्केट में भी बिता सकती हूँ, लेकिन आराम बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में। अब तो खैर एज भी ऐसी है, तो खैर अब इस चीज़ के अलावा आपने पूछा है कि थोड़ा आराम लगता है, फिर से दर्द आ जाता है, पैर का दर्द नहीं जा रहा है। आपको परहेज करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में आप मेडिसिन और आप अगर मालिश और सिकाई नहीं करते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें की हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई और सलाह नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी और वो मेरे लिए काम नहीं की हैं। मेरे लिए जो काम की हैं मैं वही चीज़ें आपको बता सकती हूँ जो मैं बता रही हूँ आपको। तो आपको अगर करना है तो ये 3 चीज़ें करिए, मेडिसिन प्लस परहेज प्लस आपका मालिश और सिकाई, तो आपको इसमें रिलीफ आते चले जाएगा, एकदम से नहीं होता है। और परहेज को ये समझ के मत करिएगा कि ये आज का काम है और मैं कुछ दिन, मतलब थोड़े दिन करके मैं छोड़ दूँगी उसके बाद, ठीक होने के बाद। तो मैंने अभी रिसेंटली एक कमेंट आपके साथ शेयर किया है, 2 साल ठीक रहने के बाद अब वो फिर से बहुत दर्द में हैं और अब उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो हम नहीं जानते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो हम कितनी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, वो दर्द कितना भयानक है आप भी जानते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, परहेज को ये समझिए आपका जीवन का नियम बना लीजिए कि आपको ये करना ही है, ठीक है, तो आप हमेशा ठीक रहेंगे और आप पूरी लाइफ अपनी अच्छे से जी सकते हैं बिना किसी दर्द तकलीफ़ के। बल्कि आप दूसरों को कहेंगे कि ऐसे करो, ठीक है, तो कुछ दिन ठीक रहने के बाद आप तुरंत आप कोई काम करते होंगे जिसका नतीजा आपका जो दर्द है वो फिर से वापस आ जाता है, और पैर का दर्द तो जा ही नहीं रहा है क्योंकि उससे जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब भी आपकी डिस्क सेट होती है, आपका सूजन सबसे पहले जाता है, उसकी वजह से वहाँ से जो प्रेशर आ रखा है नर्व के ऊपर, आपकी नस के ऊपर, वो जैसे ही कम होगा तो पैर का दर्द अपने आप ही कम होते चले जाएगा और बंद हो जाएगा। लेकिन आपको ये मेंटेन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप करेंगी सिंसियरली और सीरियसली अपने परहेज को फॉलो, इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको ठीक रहना है, ठीक है। अगला सवाल चंद्रिका जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे भी यही प्रॉब्लम है, L4-L5, नस दब रहा है और होम्योपैथोलॉजी दवाई खा रही हूँ, लगभग 15 दिन हो गया है, बीच में 7 दिन ठीक हो गया था, फिर अचानक से दर्द बढ़ गया है। तो देखिए, मेडिसिन आपके ऊपर अच्छे से काम कर रही है तभी आपका दर्द गया है, और यही मैं कहती हूँ कि आपको अगर एक चीज़ से रिलीफ नहीं आता है तो दूसरी ट्राई करके देखें। तो आपने मेडिसिन ट्राई की है लेकिन जैसे ही दर्द गया है, शुरू में किसी को पता नहीं होता है, अब आपको पता है कि आपका दर्द गया था तो 7 दिन ठीक रहे और उसके बाद फिर से दर्द वापस आया है, इसका मतलब है कि जब आप ठीक हो जाते हो तो आप नॉर्मली काम करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि आप बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो गए हैं, उसके बाद भी 6 महीने तक अपना परहेज कंटिन्यू रखें, और 6 महीने के बाद आपको लगता है कि मैं चल सकती हूँ, दर्द बिल्कुल ज़रा सा भी कहीं से दर्द फील नहीं हो रहा है, दौड़ भी सकती हूँ मैं, सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप झुकने का और कोई भारी वज़न उठाने का काम बिल्कुल ना करें। जब आप कंप्लीट ठीक होने के 6 मंथ तक आप परहेज कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद की बात कर रही हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना है और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपको दर्द गया है तो मेडिसिन अपना काम करेंगी, लेकिन आपको उनको काम करने देना है, आपको रेस्ट करना है बीच बीच में, 15-20 मिनट काम करिए या आधा घंटा काम कर सकते हैं तो करिए, उसके बाद लेट जाइए, 8-10 मिनट भी लेटते हैं तो बहुत जल्दी बहुत आराम मिल जाता है, उसके बाद आप करिए।
अदरवाइज़ आप बैठने का अवॉइड करिए, बल्कि आप लेटने को प्रेफर करिए। जब भी आपको मौका मिलता है आप लेटें, जिससे आपका शरीर का पूरा वजन बेड पर जाए और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे मौका मिले अपने आप को ठीक करने का। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ध्यान रखें, जो बातें मैं बता चुकी हूँ उन चीज़ों को आप देख लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ से कुछ आइडिया हो जाएगा कैसे बैठना है, कैसा लेटना है, तो उन चीज़ों से आपको और जल्दी रिकवरी हो सकती है, वो आप देख लें। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, किसी को इम्पॉर्टेंट बात करनी हो या आपको वो मेडिसिन चाहिए और अवेलेबल ना हो पा रही हो यूनानी जो मैंने ली थी, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम आए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।